हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है किसी का दिल बहुत धड़क रहा है आपके लिए, तो क्या है इस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 मैसेजेस को शुरुआत करेंगे शफल करके। पहला ही कार्ड है टॉप। तो इस पर्सन के साथ आपने जो कुछ भी बातें अब तक शेयर की है, वो बातें इस पर्सन को काफी ज्यादा याद आती है। यानी कि ये टोटली आप कह सकते हैं आपके प्यार में इस तरह से गिर चुके हैं कि उन्हें वही बातें बार बार याद आ रही हैं जो भी आपने अपने प्यारे तरीके से इनके साथ शेयर की थी। आपका बात करने का अंदाज इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। हो सकता है कुछ लोगों ने आपकी आवाज भी रिकॉर्ड करके रखी है और बार बार ये उस आवाज को सुनते रहते हैं, और उसी आवाज को सुनने की वजह से ये इस तरह से आपके प्यार में कनेक्ट हो चुके हैं कि उनका दिल आपकी आवाज सुनते ही धड़कने लगता है। तो इन्हें आपकी बातें तो बहुत ज्यादा पसंद है, ये तो ये कार्ड बता रहे हैं। फिर है बिफोर यू। तो शायद आपके इन्हें मैजिकल वर्ड बोलने से पहले ही ये पर्सन आपसे प्यार करने लगे थे। यानी कि हो सकता है पहली बार जब ये आपसे मिले तो तभी उन्हें लव एट फर्स्ट साइट शायद आपके साथ हो गया, इन्हें मतलब महसूस हुआ जिस तरह से। तो आपने भी शायद इनको मैजिकल वर्ड्स बोल दिए होंगे। चांसेस है कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि आप दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने इमोशंस या फिर अपनी फीलिंग्स कन्फेस की है, लेकिन उससे भी पहले ये पर्सन आपसे तभी से प्यार करने लगे हैं जब से ये शायद आपसे मिले। फिर है क्रेजी। तो आपका ख्याल ही इन्हें बहुत ज्यादा क्रेजी बना देता है। यानी कि जैसे 24/7 कोई किसी को नहीं बताता कि आई थिंक अबाउट यू, ये वो ख्याल नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम किसी के बारे में सोचते ही नहीं। जैसे कोई बहुत ज्यादा काम में बिजी है फिर भी उसके मन में अचानक अपने पर्सन के ख्याल आना, इसको क्रेजीनेस कहते हैं। तो इस तरह के क्रेजी जज्बात उनके दिलो दिमाग में आपको लेके है, क्योंकि शायद ये इतना ज्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं या सोचते रहते हैं। फिर है टच। हो सकता है आपने अपना हाथ उनके हाथ में कभी दिया होगा या फिर उन्होंने कभी आपको हग की होगी। तो ये जो छोटा सा फिजिकल उन्हें टच आपकी तरफ से मिला है, उस टच को ये बार बार याद करते हैं, और उस टच की वजह से शायद ये जब भी आपके ख्यालों में खो जाते हैं तो उनका दिल आपके बारे में धड़कने लगता है। साथ ही साथ आपने अपने तरीके से अपने अंदाज में इस पर्सन के दिल को भी छू लिया है, ये टच का कार्ड वो भी बताता है। और जब भी आपका ख्याल उन्हें फील होता है तो ये दिल वापस से जोर जोर से धड़कना शुरू होता है। फिर है रिलैक्सेशन। मे बी ये पर्सन शायद जब भी स्ट्रेस में होते हैं ये आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपसे अपनी दिल की बातें शेयर करना इन्हें काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आप दोनों में हो जाता है, जिसकी वजह से ये पर्सन उस स्ट्रेस से निकल के रिलैक्सेशन मोड में आ जाते हैं। यानी कि उनके दिल के रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है आपका साथ, यानी कि आपसे कम्युनिकेशन करना उन्हें रिलैक्सेशन दिलाता है। फिर है फॉरगिवनेस। ये शायद आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हो सकता है इन्हें ऐसा लगता है कि जाने अनजाने इनकी तरफ से आपके
दिल को कहीं ठेस पहुंची है। सभी लोगों के साथ ये कार्ड नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोगों के साथ शायद ऐसा हो चुका है, या फिर ये पर्सन उस बात को याद करके काफी ज्यादा डर जाते हैं, यानी कि ये मैंने क्या कर दिया। मतलब इंटेंशन उनका, ये मकसद नहीं था आपको हर्ट करना, लेकिन हो गया। तो अब जब बात आती है माफी मांगने की या फिर आपकी तरफ से माफ करने की, तो ये सोच के ही उनका दिल शायद थोड़ा सा और ज्यादा धड़कने लगता है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एग्जाम किसी को देने हैं, एग्जाम में तो बैठना ही है, लेकिन जब एग्जाम स्टार्ट हो जाती है या फिर ये ख्याल ही होता है कि अब एग्जाम्स कल से है, तो जिस तरह की कुछ हालत हो जाती है, वैसे ही शायद इस फॉरगिवनेस को सोच के आपके पर्सन की हालत हो जाती है। और फाइनल कार्ड है अनोइंगली, तो अनजाने में कुछ बातें इनकी तरफ से हो चुकी है। कभी अगर हो सकता है इन्होंने मिलने के लिए पूछा था, खुद सामने से पूछा था और मिलने के लिए ये नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए, ऐसा भी हो सकता है। तो अनजाने में जो कुछ भी हुआ है उसको लेके ये काफी ज्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, उन्होंने कम्प्लीटली सॉरी भी फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें एहसास है कि आपको भी जरूर तकलीफ हुई होगी इनके इस तरह के बिहेवियर की वजह से। और ये सोच के ही शायद उनके दिल की जज्बात और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं टैरो हमें क्या बताता है। पहला ही कार्ड है टेन ऑफ कप्स। ऑब्वियसली आपको तो पता ही होगा, टेन ऑफ कप्स वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, ये पर्सन आपके साथ ऑलरेडी फ्यूचर बहुत कुछ इमेजिन कर चुका है, जहाँ पे एक कपल है, उनका बच्चा है और वो काफी ज्यादा खुश है अपनी इस दुनिया में। जैसे यहाँ पे ये सब कप लाइन में बैठे हुए हैं, वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि आपका उनकी जिंदगी में होना मतलब उन्हें फुलफिलनेस की एनर्जी वो फील करते हैं, यानी कि आपके बिना ये कितना इनकम्प्लीट फील करते होंगे ये आप समझ ही सकते हैं। तो ये ख्याल भी शायद उनके दिलो दिमाग में कनेक्ट हो जाता है जब शायद वो आपके बारे में सोचते हैं कि मैं ये पर्सन के साथ अपना फ्यूचर किस तरह से इमेजिन करता हूँ। फिर है थ्री ऑफ कप्स वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अपने फ्रेंड सर्कल में भी शायद ये आपकी बातें हमेशा करते रहते हैं, यानी कि मेरा पर्सन ऐसा है वो ऐसी है, इस तरह की बातें वो शेयर करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके फ्रेंड सर्कल में भी सबको पता है कि ये कितना ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। फिर है टेन ऑफ पेंट्स फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। 10-10 दो बार आया है, यानी कि कम्प्लीशन का कार्ड है, तो ये इस फेज को कम्प्लीट करना चाहते हैं, यानी कि इस बर्डन को रिलीज करना चाहते हैं जो भी ये आपके लिए फील करते हैं। जैसे कि उनके दिल में लॉट्स ऑफ पैशन है आपके लिए, और पैशन क्यों है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, आपके साथ ये फ्यूचर वो चाहते ही है, उन्हें इस फ्यूचर में आपके साथ पहुंचना ही है, जिसके लिए ये अपनी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो बर्डन है वो अकेले ही आगे की तरफ ले जाने वाले हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा हेवी बर्डन फील हो रहा है। ये बर्डन उन्हें रिलीज करना होगा, और ये तब होगा जब ये अपने दिल के जज्बात आपसे शेयर करेंगे, और जब ख्याल आता है शेयरिंग का तो शायद इनका दिल और ज्यादा धड़कने लगता है। फिर है नाइट ऑफ वैंड्स फायर साइन एरीज लियो या सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये घोड़ा बहुत एग्रेसिवली उछल रहा है, इसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब ये स्पीड लेके अब इसको कंट्रोल करना, ये इतना तेजी में आगे बढ़ रहा है कि इसको कंट्रोल करने के लिए ये अगर अच्छा घुड़सवार है तो ही उसको पॉसिबल होगा, नहीं तो ये घोड़ा तो अभी कंट्रोल के बियॉन्ड की बात है। वैसे ही इस पर्सन के जज्बात हो रहे हैं, यानी कि वो इतना ज्यादा आपके साथ शायद फ्यूचर में आगे बढ़ चुके हैं कि अब उन्हें रुकना उनकी तरफ से पॉसिबल नहीं है, और ये डरते हैं कि जब आपके साथ ये सपना वो शेयर करेंगे या फिर आपको बता देंगे कि ये मेरा सपना है, मैं ऐसा चाहता हूँ या मैं ऐसा चाहती हूँ, तो शायद आप थोड़े से नाराज हो जाएंगे। इस तरह की शायद बातें उनके दिलो दिमाग में आ जाती है, या फिर हो सकता है एक्साइटमेंट में कुछ लोगों को ये भी लगता है कि पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा, शायद आप एक बिग हग देंगे या फिर आप रो पड़ेंगे या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उस एक्साइटमेंट की वजह से भी शायद इनका दिल धड़क रहा है। फिर है टू ऑफ कप्स वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी मुझे बताने की जरूरत है नहीं, टू ऑफ कप्स मतलब ढेर सारा प्यार है, ये प्यार का कप आपको देना भी चाहते और आपकी तरफ से ये प्यार का कप लेना भी चाहते, यानी कि शादी से जुड़ी काफी सारी बातें भी इनके दिलो दिमाग में चल रही है, क्योंकि उन्हें ये सपना जो आपके साथ पूरा करना है। और फाइनल कार्ड है सिक्स ऑफ वैंड्स फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। ये विक्ट्री का कार्ड होता है, जीत हासिल करना चाहते हैं, यानी कि इस प्यार के जर्नी में जो वो निकल चुके हैं उन्हें वो पर्सन मिल चुका है जिसकी शायद उन्हें तलाश थी, और अब उन्हें ये सबको दुनिया को दिखाना है कि देखो मैंने क्या हासिल कर दिया, मैंने अपनी जिंदगी में मेरी सभी खुशियां वो पा ली है जिनकी तलाश में था या मैं थी। तो इस तरह की एनर्जी में ये अब दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैंने अपनी मंजिल पा ली है, और वो क्या मंजिल है ये वो सोचते हैं, तो शायद उनका दिल और भी ज्यादा धड़कने लगता है, क्योंकि यहाँ पे
ये कपल भी है और साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन तक की बातें भी इन्होंने सोच के रखी है, यानी कि ये वो सपना है, ये वो जीत है जो वो हासिल करना चाहते हैं और दुनिया को भी दिखाना चाहते हैं। तो ये उनका जो सपना छोटा सा, वो सपना सोच के ही शायद ये और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और शायद इसी वजह से इनका दिल आपके लिए इस तरह से धड़कने लगता है। तो ये था आज का रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए।